गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और गाइस मैं इस समय हूँ बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो गाइस मैं आज आपको बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन के दर्शन कराऊंगा, तो आप बने रहें इस ब्लॉग में। अगर आप उज्जैन ट्रेन से आना चाहते तो मेन रेलवे स्टेशन उज्जैन ही है। उज्जैन आने के लिए आपको लगभग सभी सिटी से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। स्टेशन से मंदिर की दूरी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर है। उज्जैन आप बाय बस भी आ सकते हैं। अगर आप उज्जैन फ्लाइट से आना चाहते तो नज़दीकी एयरपोर्ट इंदौर है। इंदौर से उज्जैन की दूरी लगभग 55 से 60 किलोमीटर है। स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको एक बड़ी सी स्विमिंग दिखाई देगी। अगर आप स्टेशन के आसपास स्टे करना चाहते तो आपको स्टेशन के बाहर ही अवंती का होटल मिल जाएगी। रेलवे स्टेशन के बाहर का नज़ारा आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आपको स्टेशन के सामने ऑटो और ई रिक्शा मिल जाएंगे, जो आपसे मंदिर तक का 15 से 20 रुपये चार्ज लेते हैं। अगर आप मंदिर पैदल जाना चाहते तो स्टेशन के सामने आपको यह गेट दिखाई देगा। यह गेट से आपको सीधा जाना है, सीधा ही आपको मंदिर मिल जाएगा। महाकालेश्वर मंदिर के रास्ते में आपको बहुत से छोटे बड़े मंदिर दिखाई देंगे, जिनका आप दर्शन करते हुए आप मंदिर की ओर जा सकते हैं। गाइस अगर आप स्टेशन से मंदिर जा रहे हैं तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप पैदल ही मंदिर जाएं, क्योंकि 10 से 15 मिनट का रास्ता है। आप घूमते फिरते और उज्जैन के नज़ारे देखते हुए मंदिर जा सकते हैं। तो चलिए गाइस अब हम चलते हैं बाबा महाकाल के मंदिर। मंदिर से 500 मीटर पहले बैरिकेड द्वारा रोड बंद कर दी जाती है। यहाँ से आप कोई भी बड़े वाहन नहीं ले जा सकते, केवल आप टू व्हीलर या पैदल ही जा सकते हैं। यहाँ से आपको फूल प्रसाद और कई तरह की दुकानें मिल जाएगी, जहाँ से आप खरीदी कर सकते हैं। यहीं से आपको खाने पीने के लिए होटल, भोजनालय और चाय नाश्ते की दुकान भी मिल जाएगी। गाइस अगर आप उज्जैन आए हैं तो यहाँ के फेमस पोहा खाना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं भी यहाँ का गर्मा गर्म पोहा खाकर निकल जाता हूँ मंदिर की ओर। गाइस मुझे थोड़ा पैदल चलने के बाद फाइनली मंदिर के दर्शन हो जाते हैं। मंदिर के सामने ही आपको बड़ा गणेश मंदिर दिखाई दे देगा, और बड़ा गणेश मंदिर के सामने ही महाकालेश्वर मंदिर का एंट्री गेट है। तो अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर। अगर आप उज्जैन सावन या संडे मंडे के दिन आते हैं तो आपको यहाँ बहुत भीड़ मिलेगी। आज ना तो सावन है ना ही संडे मंडे, इसलिए आज यहाँ थोड़ी कम भीड़ है। अगर आप उज्जैन आते रहते हैं तो आपको यहाँ कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलते रहेंगे। अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मंदिर को और थोड़ा बड़ा किया जाना है। आप यहाँ देख ही सकते हैं कितने बड़े लेवल पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो चलिए गाइस अभी हम चलते फिलहाल मंदिर की ओर। इन्हीं रथों में सावन के दिनों में बाबा महाकाल की सवारी निकाली जाती है। गाइस अगर आप शीघ्र दर्शन करना चाहते हैं तो गेट नंबर 1 के काउंटर से आप अपनी शीघ्र दर्शन वाली रसीद कटवा सकते हैं। मंदिर के अंदर DSLR एवं अन्य बड़े कैमरे ले जाना पूर्णतः प्रतिबंध है। अगर आप फिर भी कैमरे या DSLR लेके जाते हैं तो मंदिर समिति द्वारा आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ श्री महाकालेश्वर मंदिर पवन समिति की ओर से निःशुल्क जूता स्टैंड बनाया गया है, जहाँ आप निःशुल्क जूते चप्पल उतार सकते हैं। तो मैं भी अपने जूते चप्पल उतार कर माथे में चंदन का तिलक लगा कर जय श्री महाकाल बोलकर निकल जाता हूँ मंदिर मार्ग की ओर। यह है मंदिर का मेन गेट और यहीं से होती है मेन एंट्री। तो चलिए गाइस हम भी जय श्री महाकाल बोलकर मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं।
आप देख ही सकते हैं मंदिर के अंदर कितनी लंबी लाइन लगी, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, आज बहुत कम भीड़ है। मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाना मना था तो मैं इसके आगे की वीडियो नहीं बना पाया। बाबा महाकाल के दर्शन के बाद मैं आ जाता हूँ बड़े कलेश मंदिर, जो कि एंट्री गेट के बिल्कुल सामने ही है। गणपति बाबा के दर्शन करने के बाद मैं निकल जाता हूँ हरसिद्धि माता मंदिर, जो कि गणेश मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर है। मंदिर के सामने ही आपको फूल प्रसाद मिल जाएगा, प्रसाद के साथ ही आपको कमल का फूल मिल जाएगा जो कि मंदिर में चढ़ाया जाता है। हरसिद्धि माता मंदिर से ही आप महाकालेश्वर मंदिर देख सकते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार माता सती के अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ के रूप में उनकी उपासना की जाती है। हिंदू धर्म में कुल 51 शक्तिपीठों की मान्यता है, उन्हीं में से एक है उज्जैन में स्थित महर्षिद्धि। यहाँ माता सती की कोहनी गिरी थी। कहा जाता है माता दिन में गुजरात में और रात में मध्य प्रदेश के उज्जैन में बास करती है।